रेल आरक्षण टिकट की कालाबाजारी करने वाले दलाल का पर्दाफाश किया गया है। टिकट दलाल के पास से करीबन 23,52,708 रुपयों की 1410 पुरानी रेल आरक्षण टिकट पाई गई है। दिनांक 20/8/2020 को एस के मिश्रा, IPF, CIB, DET, NGP, उप निरीक्षक CIB, NGP आर के यादव, CIB टीम, आरक्षक अश्विन पवार, DSC ऑफिस नागपुर तथा निरीक्षक नागपुर RR जेम्स, निरीक्षक CIB डाटा छेदीलाल, उप निरीक्षक सचिन दलाल तथा स्टाफ द्वारा बंसल ट्रेडिंग कंपनी जलालपुरा गांधीबाग नागपुर पर रेड कर आरोपी आमिर अली उमेद अली के ताबे से 3 पर्सनल ID से 11 नग पुराने रेल जिसका मूल्य 20,368 रुपए तथा एक ओपो मोबाइल 20,000, एक कंप्यूटर सेट, CPU, इंटेक्स मॉनिटर सैमसंग एंड माउस जिसकी कीमत 15,000, ऐसे कुल कीमत 55,368 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। रामनिवास यादव द्वारा RPF थाना नागपुर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 652/2020 US 143 रेलवे एक्ट के तहत पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ के दौरान उसने 25 पर्सनल ID तथा उसके साथ पासवर्ड की जानकारी देने पर प्रबल ऐप के माध्यम से ID पासवर्ड की मदद से कुल 1,399 पुराने टिकट निकाली गई जिसकी अनुमानित कीमत 23,32,340 रुपए पाई गई। इस तरह कुल 1,410 टिकटें जिसकी अनुमानित कीमत 23,52,708 पाई गई है। मामले में माननीय रेल न्यायालय द्वारा जांच हेतु आरोपी को 3 दिन की RPF कस्टडी प्रदान की गई है। उपरोक्त कार्रवाई मंडल सुरक्षा आयुक्त RPF नागपुर आशुतोष पांडे इनके मार्गदर्शन एवं निर्देशन में की गई है। नागपुर RPF ने पिछले लॉकडाउन में टाउट के खिलाफ 7 कार्रवाइयां की हैं और इसी क्रम में हमारी जो 8वीं कार्रवाई थी यह हमने 2 दिन पहले जलालपुर एरिया गांधीबाग में एक टाउट के खिलाफ की। इसमें हमें तकरीबन 23,50,000 के टिकट्स मिले हैं। ये 1,410 टिकट्स हैं जो 25 फेक IDs पे बनाए गए हैं और इन सभी टिकट्स पे 200 से 500 रुपए तक एडिशनल रुपए वसूले गए हैं ग्राहकों से। जैसे ही हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, हमारी जो क्राइम टीम होती है और टास्क टीम इस दुकान पर रेड किया और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही हमने वहां पे मौजूद जो कंप्यूटर, लैपटॉप्स, डिफरेंट और प्रिंटर्स को भी सीज किया है। आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और हम करबद्ध हैं कि हम नागपुर को जो ये अवैध टिकट दलाली होती है इससे हम मुक्त करें। धन्यवाद। जय हिंद। इन बीसी न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।